तो रामलला से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि उनके लिए कुछ ना कुछ लाभ भी रहे, कुछ उपहार, कुछ भेंट, और इस मंदिर को और भव्य बनाया जाए कुछ दान भी दिया रहे। मुंबई से एक फैमिली मेरे साथ आई है, बात करते हैं। सर कहाँ से आए हैं और किस तरह का सहयोग दिया है? जी, हमने हमारी तरफ से भगवान श्री राम के मंदिर में एक अच्छा सहयोग किया। राशि जो मैंने की है मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन हमने अच्छा सहयोग किया है। बताइए सर, लोग मोटिवेट होंगे। जी, हमने भगवान श्री राम के लिए 1,11,000 का राम मंदिर में हमने सहयोग किया था। भगवान राम का आशीर्वाद है और आगे भी हम कोशिश करेंगे, एक सहयोग है। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो लोग ने बढ़ चढ़ कर लोग दान पुण्य कर रहे हैं। खाने के लिए भी आप देखोगे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लोग तो एक छोटे राम भक्त भी हमारे पास हैं। आप यहाँ आए हैं मुंबई से बच्चा, तो क्या लेके आए हैं श्री राम के लिए? सेविंग से 1100 रुपए लाए। अच्छा, गुल्लक में बचाए थे? हाँ। किन के लिए लेके आए हैं? श्री राम के लिए। हाँ। श्री राम कौन है? भगवान है। भगवान है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो दान देने की बात है, असल में इससे कितना बड़ा मतलब खुद को भी सुकून महसूस होता है कि चलिए इस यज्ञ में एक छोटी आहुति हमारी से ही। हमें बहुत अच्छा लगता है और हम भाग्यशाली समझते हैं और गौरवित महसूस करते हैं कि हम अपने कुछ सहयोग कर पा रहे हैं। लोगों ने तो अद्भुत बढ़ चढ़ कर रहे, कोई अपना श्रम दान दे रहा है, कोई धन दान दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, लेकिन ये जो मौका और क्षण हमें देखने के लिए मिला, इसलिए हम बहुत ही गौरव। इतना योगदान आपने किया है। हमने भी 1,00,000 से ज्यादा का किया है, लेकिन हमने जितना भी किया है और भी करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि ऐसा मंदिर बने, पूरी अयोध्या एक मंदिर की तरह सज जाए, और पूरा जब भी कोई अयोध्या में पैर रखे वो ऐसा लगे पूरा अयोध्या ही एक मंदिर है। ठीक है, तो ये मन की श्रद्धा है, अयोध्या का रंग है जो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दिल खोल के इस भव्य मंदिर का हमें और आपको स्वागत करना है।